जी भैया, सब्जी हमारी बनकर अच्छे से रेडी हो गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पाटिल्स किचन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल। तो मैंने पॉट में जो है वो 2 बड़े चम्मच के करीब जो ऑयल है वो ले लिया है। यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो मैं उसमें जो है 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी। ये जीरा गर्म हो गया है तो 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक की पेस्ट जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट वो डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं जो है वो 6 से 7 पत्ते जो है वो कड़ी पत्ता के इसमें डालूंगी। बस 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। और मेरे पास 3 जो है वो मीडियम प्याज हैं तो वो मैंने काट लिए हैं ऑमलेट कट में, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो बस 2-3 मिनट के लिए इनको भी हम अच्छे से पका लेंगे। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंक कलर ले आएंगे। और 1 चम्मच सॉल्ट जो है वो भी मैं इसमें साथ में डालूंगी। मेरे पास का जो कलर है वो पिंक हो गया है अनियन का। मेरे पास अभी 1 टमेटो है और 1 स्प्रिंग अनियन है तो मैंने दोनों को काट लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो बस 1 मिनट के लिए हम इसे भी ज़रा कुक कर देंगे। मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो टर्मरिक पाउडर डाल दूंगी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मेरे पास कोरिएंडर पाउडर है वो डाल दिया है मैंने, 3 से 4 पिंच जो है वो ब्लैक पेपर में डाल दूँगी। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच मेरे पास ग्रीन चिली है तो मैं वो 1 चम्मच के करीब वो भी इसमें डालूंगी और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा जो एक तड़का है उसको रेडी कर दी, ऑयल को सेट करके। तड़का जो है यहाँ पे रेडी हो गया है तो मेरे पास यहाँ पे येलो एंड ग्रीन जो है वो बन गया है, वो मैंने काट के रखी है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। मेरे पास थोड़ा सा हरा धनिया है काट के रखा है वो भी मैं इस टाइम में डाल दूंगी क्योंकि सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा स्वाद है। यहाँ पे मेरे पास आलू और गाजर कटी हुई है वो इसमें डाल दूँ इसे थोड़ी सी। आधा बाउल के करीब फ्रोजन मटर वो भी मैं इसमें डालूँ। यहाँ पे ये छोटी बाउल मेरे पास फूल गोभी है जो कॉलीफ्लावर होती है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो अभी सारी चीज़ों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अभी 5 मिनट के लिए हमें इसको इसी तरीके से छोड़ना होगा, पकने देंगे बस ऐसे ही। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास एक बाउल जो है वो स्पिनिच है, छोटे छोटे पत्ते थे, बेबी स्पिनिच जो होती है तो उसके पत्ते मैंने धो दिए हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसको काट दिया है, इसको भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये जो स्पिनिच हमने डाली है ये पानी जो है वो रिलीज कर देगी, इसलिए हम एक्स्ट्रा पानी जो है वो अभी नहीं डालेंगे, इसको पकाने के लिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। गैस की फ्लेम को जो है हम यहाँ पे लो कर देंगे और ढक देंगे इसको और 10 मिनट के लिए इसको पकने के। तो 10 मिनट हो गए फ्रेंड्स, तो एक बार चेक कर लेंगे सब्जी जो है अभी पकने में थोड़ा टाइम है, अभी जो है वो अच्छे से पकी नहीं है। बस अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और 10-15 मिनट के लिए और इसको कवर करके फ्रेंड्स 10 मिनट बाद हमने इसको फिर से एक बार चेक किया तो सब्जी जो है हमारी यहाँ पे बिल्कुल पक गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, आलू जो है वो इजीली पीसेस जो है वो मैश होते जा रही है। जो भी ये सब्जी हमारी बनकर अच्छे से रेडी हो गई है, अभी गार्निश करने का टाइम है तो गार्निश कर लेंगे इसको फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ। थोड़े से हमने तड़के में डाले थे ना तो वो इसलिए ताकि उससे टेस्ट भी अच्छा सा आ जाएगा और एक फ्रेग्रेंस जो है वो भी अच्छी सी आ जाएगी और थोड़े धनिया पत्ते भी हम ऊपर से डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास डबल क्रीम है तो मैं कोई 2 टीस्पून के अबाउट जो है वो डबल क्रीम भी इसमें डाल दूँगी, इससे इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और टेस्ट जो है वो भी अच्छा सा आ जाएगा। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑफ कर दी है और मैं इसको कवर कर दूंगी
ताकि जो अच्छे से सारे फ्लेवर जो है ना वो अच्छे से सारे इसमें मिक्स हो जाए एक बार। तो बस कैसी लगी फ्रेंड्स आपको फिर आज की ये रेसिपी? तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये खाने में भी हेल्दी है और क्रीम डालने से इसका टेस्ट जो है वो भी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अभी 2 मिनट बाद जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ हेल्दी डे।